जहाँ भी खुले में पानी है वहाँ सब कुछ हरा भरा दिखता है। उत्तरी दक्षिण अफ्रीका में बना हार्टेबीस पोर्ट बांध दशकों से इस समस्या से जूझ रहा है। ये जलकुंभी है, एक दक्षिण अमरीकी जलीय पौधा जो अब अफ्रीका में जलाशयों को जाम कर रहा है। ये पौधा बड़ी तेजी से फैलता है और वातावरण पर इसके प्रभाव बहुत नाटकीय हैं। विस्तृत शोध के बावजूद इस पौधे से निपटना बड़ी चुनौती साबित हुआ है। जलकुंभी पानी में पाए जाने वाले दुनिया के सबसे जटिल खरपतवारों में से है। ये यहाँ 1970 के दशक से है और एक बड़ी समस्या है। इसे हाथों से और खरपतवार नाशकों से हटाने की कोशिश की गई, लेकिन आज भी यह बड़ी दिक्कत है क्योंकि ये डैम का 40% तक हिस्सा ढक सकती है। दक्षिण अफ्रीका में रिसर्चर कई साल से इस आक्रामक पौधे का तोड़ निकालने में जुटे हैं। पर्यावरण में अमूमन सुरक्षित रहने वाली जलकुंभी को हटाने के लिए वैज्ञानिक इसके प्राकृतिक दुश्मन खोज रहे हैं। उन्हें एक बड़ी सफलता हाथ लगी है जिसका आकार करीब 4 मिलीमीटर है। ये छोटा सा जलकुंभी टिड्डा भी दक्षिण अमेरिका से आया है। ये टिड्डे जलकुंभी की तरह ही बहुत तेजी से बढ़ते हैं और ये छोटे से कीट बहुत भुक्कड़ हैं। इन्हें पालने के बराबर ही चुनौतीपूर्ण है इन टिड्डों का रिकॉर्ड रखना। हम इस केंद्र में पलने वाले हर टिड्डे का रिकॉर्ड रखते हैं। 10 साल में हमने करीब 10 लाख टिड्डे पैदा किए हैं और बीते साल हमने करीब 3 लाख टिड्डे देश भर में छोड़े हैं। लेकिन इस प्रक्रिया के अपने खतरे भी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये कीट फायदा पहुंचाने की बजाय मुसीबत बन जाएं। बायो कंट्रोल में सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि जो टिड्डे हम छोड़ रहे हैं वो दूसरे पौधों को भी खा सकते हैं। इसलिए उस जोखिम को कम करने के लिए हम इस केंद्र में टिड्डों को स्थानीय और फसल वाले पौधों पर टेस्ट करते हैं। हम ये सुनिश्चित करने के लिए टेस्टिंग करते हैं कि ये टिड्डे निश्चित पौधों को ही खाएं। ये प्रक्रिया बहुत बारीकी से होती है जिसमें कई साल लग सकते हैं। ये जरूरी भी है क्योंकि एक बार कीड़े छोड़ दिए गए तो हम उन्हें दोबारा वापस नहीं ला सकते। जलकुंभी टिड्डों पर टेस्ट पूरे हो गए हैं। इन्हें जमा करके भेजने की तैयारी हो रही है। अपने पसंदीदा भोजन की पत्ती के साथ ये हार्टेबीस पोर्ट डैम की ओर जा रहे हैं। सेंटर फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल की डॉक्टर रोसाली स्मिथ सुनिश्चित कर रही हैं कि टिड्डे अपनी मंजिल तक पहुंच पाएं। जितनी घनी जलकुंभी उगेगी उतना ही इन टिड्डों के लिए आसान होगा। ये बहुत जल्दी बढ़ सकते हैं। इन टिड्डों को छोड़ने के साथ हमारा इरादा इन्हें हरित खरपतवार नाशकों के तौर पर इस्तेमाल करना है। तो जितना हो सके उतने ज्यादा टिड्डे छोड़ेंगे ताकि गर्मियां आने तक इनकी आबादी जल्दी से बढ़ जाए और ये फटाफट जलकुंभी को चट कर जाएं और ये डैम के ऊपर ना फैले। जलकुंभी झील पर एक घने कालीन जैसा रूप ले लेती है। जब पौधे आपस में टकराते हैं तो पानी में डूबी इनकी जड़ें एक दूसरे में फंस जाती हैं और प्रकाश को अंदर नहीं जाने देती। धीरे धीरे पौधे एक सघन कालीन बन जाते हैं। जलकुंभी के पौधे पानी के किनारों को पूरी तरह ढक लेते हैं और ये सिर्फ पर्यावरण संबंधी समस्या नहीं है बल्कि आर्थिक भी है। बहुत से लोग बांध से होने वाले पर्यटन पर निर्भर हैं। हर साल बहुत से कामगार पौधों को पानी से निकालते हैं, लेकिन ये बहुत ही धीमा और मेहनत भरा काम है जो छोटे इलाकों में ही कारगर है। इस तरह के बड़े इलाके में तो नन्हे टिड्डों को ही मदद करनी होगी। उनके काम के निशान जलकुंभी के पत्तों पर देखे जा सकते हैं। छेद और भूरा रंग जैविक पेस्ट कंट्रोल की सफलता की गवाही है। कुतरा हुआ मृत पौधा धीरे धीरे पानी के नीचे गल जाता है। 2 ही सालों में जलकुंभी डैम की सतह पर 40% से घटकर मात्र 5% तक हो गई। ये वो जगह है जहां हमने टिड्डों को पानी में कई दफा छोड़ा था और हम जानते हैं कि यहां ये बड़ी संख्या में हैं, क्योंकि जैसे ही मैंने ये पौधा पकड़ा वे आसपास नाच रहे हैं।
आप देख सकते हैं कि पौधे के पत्ते भूरे हो गए हैं और मुड़ गए हैं। यहाँ के पौधों को काफी नुकसान हुआ है और असल में हम यही चाहते हैं। शाम की रोशनी में इस अभियान की सफलता और सुंदर दिखती है। टिड्डों के ये झुंड जलकुंभी के ऊपर उड़ते दिखते हैं। वैसे ये पौधा शायद ही कभी गायब हो, क्योंकि ये बहुत जल्दी फैलता है। फिर भी जब से टिड्डे काम पर लगे हैं, हार्टबी स्पूट डैम में पानी का बड़ा हिस्सा दोबारा दिखने लगा है। यहाँ के बढ़िया नतीजों के बाद इन टिड्डों को जलकुंभी वाली अन्य जगहों पर भी तैनात किया जा सकता है।